देखिए टमाटर लगे हैं तो मैं टमाटर तोड़ूंगी। टमाटर पक गए हैं मेरे, टमाटर तो नीचे पड़े हैं बट ना मुझे तोड़ने पड़ रहे क्योंकि गिलहरी खा लेती है इसीलिए। हार्वेस्टिंग करेंगे आज हम बैंगन की। ये देखिए ये है काले वाले बैंगन, ढूंढ ढूंढ के करने पड़ेंगे क्योंकि ना वैसे तो ये देखिए ये भी लगे हैं जो छोटे बड़े मैं सब निकाल लूँगी क्योंकि ना गिलहरियाँ काम खराब करे जा रही हैं, गिलहरियाँ खाए जा रही हैं इनको तो क्या फ़ायदा लगाने का। ये देखिए तो गिलहरियाँ तो खाए जा रही हैं। बैंगन तो काफ़ी लगे हैं लेकिन गिलहरियाँ काम कर जा रही है अपना। बैंगन तो बहुत सारे लगे हैं आपको दिख रहे हैं काफ़ी लगे हैं बैंगन तो। ये देखिए यहाँ भी है, ये देखिए। चलो मैं तोड़ लेती हूँ फिर मैं आपको बताऊँगी। हमारे यहाँ हुई है बारिश देख सकते हो आप सुबह सुबह, और मैंने जितने बैंगन तोड़ने थे ना वो तोड़ लिए, जो छोटे छोटे रह गए वो मैं नहीं तोड़ रही हूँ। मैंने पुदीना भी तोड़ना है, टमाटर भी तोड़ने हैं, बैंगन तो मैंने तोड़ लिए, जो छोटे छोटे रह गए ना वो मैंने छोड़ दिए ऐसे, एक दो दिन में हो जाएंगे। मुझे कौन सा अभी बनाने हैं, मैं थोड़ी थोड़ी हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ फिर जब इकट्ठे हो जाते हैं फिर मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। छोलिया भी मुझे तोड़ना है, छोलिया तो आपको मैंने बताया था पहले कि छोलिया तो खूब लगा है खूब, ये देखिए सब जगह लगा है छोलिया, अच्छा हो रहा है जी देखिए बिना किसी केमिकल्स बिना किसी खाद के घर में मेरे देखिए कितना अच्छा छोलिया हुआ पड़ा है। ये देखिए सब जगह मतलब मेरी सब्जी बन जाएगी, कुछ कुछ तो पकना भी शुरू हो गया, देखिए पटाखा बजाए इसका ये जो है ना एक गमले मैंने में सफ़ेद वाला चने लगाए थे, ये सफ़ेद चने हैं, उस वाले में काले हैं। चलो मैं खा लेती हूँ, मैं धनिया तोड़ लेती हूँ अब। ये देखिए हरी मिर्च का प्लांट, हरी मिर्च लगी हुई है देख सकते हो आप। तो ये देखिए इस वाले में ना शिमला मिर्च भी लगी है, शिमला मिर्च इसमें भी लगी है, ये देखिए छोटी छोटी निकल रही हैं, उसमें तो निकल चुकी हैं। ये देखिए हाथ नहीं लगाते ना, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा ना आपको, इस वाले में हरी मिर्च है, वहाँ भी शिमला मिर्च है, यहाँ कुछ में प्याज है, यहाँ भिंडियाँ भी लगाई हैं मैंने गर्मियों की सब्जियाँ। ये देखिए भिंडियाँ भी निकल आई हैं, ये देखिए कुछ कुछ में तो ये देखिए भिंडी लगनी भी शुरू हो गई, ये देखिए कुछ कुछ में भिंडी लग भी रही हैं। और यहाँ मटर मैंने जो पहले लगाए थे वो मैंने उखाड़ दिए, अब मैंने ये वाले मटर लगाए हैं दोबारा। ये देखिए प्याज भी लगे हैं, वहाँ भी लगे हैं और यहाँ भी लगी है, देखिए हरी मिर्ची मैं तोड़ लेती हूँ, मुझे भी दो ही मिर्ची चाहिए रहती है तो मैं तोड़ लेती हूँ। इसमें लहसुन भी लगा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ मेरे नींबू के प्लांट में ये देखिए पत्ते निकल रहे हैं, जब फूल लगे थे ना तो वो झड़ गए, यहाँ देखिए मटर के भी दोबारा फलियाँ खिलनी शुरू हो गई हैं, फूल कलियाँ जो भी हैं। इसमें टमाटर भी लगे हैं, ये अभी लगाए हैं। तो ये देखिए इसमें ये बैंगन लगे हैं छोटे छोटे और फूल भी खिले हुए हैं,
ये देखिए टोकरे में मैंने पुदीना लगाया है, ये मुझे तोड़ना है पुदीना, तो मैं ये तोड़ लूँगी क्योंकि मुझे बनानी है चटनी। आपको पता ही है गर्मी है तो चटनी तो बनी जाती है हमारे घर में दूसरे चौथे दिन। धनिया भी तोड़ना है मुझे, थोड़ा धनिया तोड़ूंगी, थोड़ा पुदीना तोड़ूंगी, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा नियाज़बो, तो फिर हमारी चटनी बन जाएगी। वैसे तो काटने वाला लेके आई हूँ बट धनिया पुदीना काटने के लिए क्या औजार चलाना, ये तो हम हाथ से ही कर लेंगे। देखिए काफ़ी सारा पुदीना लगा है और उसमें भी ये देखिए यहाँ जो है ना यहाँ भी फूल खिल रहे हैं मटर के, इसमें भी, और इसमें मैंने लगाया है दोबारा से मेथी वगैरह, और इसमें मैंने करेले भी लगाए हैं। यहाँ बैंगन भी है ये देखिए नीचे, तो मैं चलती हूँ नीचे। पंछी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं है ना, कितने झुरमुट बना के जा रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये है शहरों में भी कभी कभी नज़र आ ही जाता है ये सब। तो ठीक है फिर, वो देखिए मेरे फूल भी खिले हुए हैं, मेरे सर के ऊपर से निकल के गए हैं कितने सारे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे शहरों में ये पंछी वगैरह घूमते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बारिश पड़ के हटी है ना इसीलिए घूम रहे हैं, और ना गर्मी में तो निकलते भी नहीं ये भी बेचारे बाहर। तो मैं नीचे चलती हूँ, वो देखिए मेरे सफ़ेद फूल खिले हुए हैं और भी गुलाब वगैरह लगे हैं नीचे भी लगे हुए हैं। यहाँ देखिए गुलाब के प्लांट है, मैंने अभी लिए थे, इसमें भी अच्छे से फूल खिलते हैं, ये देखिए लाल रंग का फूल खिलेगा इसमें, अभी निकल रहा है। तो ये देखिए इसमें बैंगन भी है, टमाटर भी है, देखिए बहुत सारे हैं, हरे और काले बैंगन मिक्स करके बनाएंगे।